नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी और ओवैसी ने ये कहा कि ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। आजाद के जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि इस हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है, हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम मैं ये क्यों कह रहा हूं बता रहा हूं आप, मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरन सिविल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं, और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं, हमारा हाल आप यह करके रख दी है कि तूफान में किश्ती में तासुबियत की फिरका परस्ती के एक तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी ने फिर से अमित शाह पर निशाना साधा और महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए बिल को फाड़ दिया। हम मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस अहमान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइज़ शहरी ने बल स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक और एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू बी रिपीटेड। श्रीलंका के 10 लाख टमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो। नेपाल में मदेशी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चिन काचिन अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं, यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था, 1957 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बारी अमित शाह की थी। अमित शाह को इस बिल के बारे में बताना था और जो असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के बारे में कहा था उस पर सफाई देनी थी। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं। और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू सिख बौद्ध पारसी जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं।
असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी पर भी सवाल उठाया था और कहा कि सरकार इस बिल के बाद एनआरसी भी लाएगी। इस पर भी अमित शाह ने सीना ठोक कर जवाब दिया। करना चाहता हूं कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस। अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि इस बिल के आने से देश में रह रहे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ इस्लामिक लोग कैसे, इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनॉरिटी हो सकते, हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है, वहाँ के संविधान का प्रोविजन ऐसा है जो मुस्लिमों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता है, इसलिए नहीं। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं, और यहाँ चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है मान्य। वहां पर जो वहां की स्थिति है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं, रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से मान्यवर, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में डर है, मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में कोई डर की भावना नहीं है, है तो भी आपके वक्तव्य से थोड़ा बहुत खड़ा भी हुआ होगा, तो मैं मेरे सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री प्लीज मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता सम्मान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया, उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा नहीं, मैंने पहली बार सुना, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोला इन्होंने, इसलिए बोले ना, इधर कहा ना मैंने पहली बार सुना भैया, इन्होंने टागोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम बाबू, टागोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी? आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाएं मस्त, नो प्लीज मान्यवर गुस्से क्यों हो रहे हैं, मैंने तो उनको पूछना, मैं माननीय सदस्य प्लीज 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 दादा प्लीज 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 दादा आज तो मान्यवर मुझे मालूम नहीं पड़ता क्यों इतना गुस्से हो गए, मैंने तो टीएमसी का नाम भी नहीं दिया, मैं बोला ही नहीं टीएमसी, मैं तो टीएमसी नहीं बोला मान्यवर, अब माननीय सुरेश प्लीज 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 माननीय प्लीज 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 आप सब बैठ जाइए, रमेश जी आप आपस में जवाब पर मत, गृह मंत्री माननीय अध्यक्ष जी,
भाई क्यों बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हाँ दादा, नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। माननीय, इसमें कोई ट्रैप नहीं, एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते, उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। मैंने जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको हम सफल नहीं होने देंगे।